सुनो भाई, तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी, मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपर नंबर 9। हाय हनी। किरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाथ में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये Okay. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ, गैरी सुपरनोवा। नहीं, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच, और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम
ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। मुबारक हो। ए आने का शुक्रिया। ओए तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर। रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है। और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं। ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। मिशन कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपर नोवा 9। हाय हनी। कीरा तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह जेरी तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स। पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह। मैं गैबी बबल ब्रॉक, मैं आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैंग सुपरनोवा। नहीं, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओह आयो
क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आँख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। Hey, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जम करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह, जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स। पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह। मैं गैबी बबल ब्रॉक, मैं आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ, गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं छोटे भाई। यह है मेरा भाई स्कॉच, और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम साथ आओगे? हाँ, तुम्हारा बेस्ट मैन बन के। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानो? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी हैं, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो? चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक मैं आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई।
ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैरी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर। रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जम करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओ गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम हैं। हाँ, किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है, कौन जानता है। और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाथ में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा। मैं
तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल लगता है अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराब आज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉर्च, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ, गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। हाँ, किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉर्च और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉर्च, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैबी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख पे कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है, मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर। रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद है। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। ठीक है। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मिली, और मेरे हाथ में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब।
फिर ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉर्च, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉर्च और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉर्च, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉर्च सुपरनोवा गैबी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओह, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉर्च सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है, मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है, कौन जानता है। और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद है। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया, मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। अपने घर की क्या बात है, मिशन कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपरनोवा 9। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बीवी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है, हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो, और मेरे फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी।
okay. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉर्च, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉर्च और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉर्च, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है, कौन जानता है। और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपरनोवा 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बीवी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट्स
से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो और मेरे हैंड को जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। Okay. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉर्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक मैं आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। नहीं, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख पे कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी हैं, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। मिशन कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपरनोवा 9।
मीरा तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओ जेरी तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। Okay. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स। पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह। मैं गैबी बबल ब्रॉक मैं आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक। बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। नहीं, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ आयो क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम बोल सकते हो? किसी खास मौके पर, रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं। ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे। चलो अब घर चलो। ठीक है।
कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपर नोवा 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओ जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो और मेरे हैंड में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। Okay. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख चुका हूँ मैं गैबी बबल ब्रॉक, मैं आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ, गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। यह है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानो? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे।
चलो अब घर चलो। अपने घर की क्या बात है, मिशन कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपरनोवा 9। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह, जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉर्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख तो कहा, मैं गैबी बबल ब्रॉक, मैं आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूँगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है, कौन जानता है। और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद।
पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ, अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। अपने घर की क्या बात है, मिशन कंट्रोल हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपर नोवा 9। तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओ जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो, और मेरे हार को जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैंग सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैस हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है। फिर से 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? आयो क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानो? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो? चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गए? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया।
उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ, अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। ठीक है। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके, ठीक है सुपर नंबर 9। हाय हनी। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह जेरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो और मेरे हैंड में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ए स्कॉट, यू आर द बेस्ट। तुम जैसा कोई नहीं है। आई लव यू प्लैनेट बॉब। ये ऐसा मत करना, ओके? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है। फिर से 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैबी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई। तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है, मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गैरी? हाँ?
तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर, रोज नहीं कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। अपने घर की क्या बात है। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपर नोवा 9। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेबी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बेबी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो, और मेरे हाल में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसा कोई नहीं है। I love you, Planet Bob. Please, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना, okay? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फख्र है बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक में आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए। सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ, गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्कॉट सुपरनोवा गैबी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओह आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। चलो पार्टी करें। ए, आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए। बोलो भाई,
तो मैं जॉब से निकालने की माफी चाहता हूँ। तो मैं पता है, मैंने खुद छोड़ा था। ये क्या गैरी? तुम? थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो किसी खास मौके पर। रोज नहीं, कभी कभी। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं सोचता था तुम इस पागल जनरल के लिए काम कर। हमें दुख हुआ कि इसका बाप हमारे हाथों से मारा गया। उसके बाद हमें पता चला कि उसका बाप एक साइकोपैथिक है जो पूरी कायनात को तबाह करना चाहता है। कौन जानता है? और तुम इसका क्या करोगे? पता नहीं, ये बात सुनकर तुम डर जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अमन पसंद। पहली बार मारा क्या? अच्छा महसूस हो रहा है ना? अम्मी जी। मजा आ गया। मैं जंप करने लगा था मगर तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो मैंने कहा ओके। ये छोटा मुझे बहुत पसंद है, क्या हम ले लें इसे अपने साथ? छोड़ो मुझे, चलो अब घर चलो। अपने घर की क्या बात है। मिशन कंट्रोल, हमें ले जाओ। ओके ठीक है सुपर नंबर 9। कीरा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बीवी है। ओह गैरी, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिल गई? मैं तो समझता हूँ तुम बस। इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे यही कहता है। मेरी गलती है। स्कॉट से मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो मैं और मेरे हाथ में जो मेरी फैमिली का प्यार था जिसने मुझे हिम्मत दी तो मैंने आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। कीपर, कीपर, तुमने कमाल कर दिया। हमें तुम पर फखर है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। तुम एक दिन मुझसे भी बड़े खराबाज बनोगे और मुझसे अच्छे काम करोगे। थैंक्स अंकल स्कॉट्स, पर मैं अच्छा मिशन कंट्रोलर बनूंगा। देख की तरह मैं गैबी बबल ब्रॉक मैं आ रही हूँ। ओह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ गैबी बबल ब्रॉक, बात करूंगी दुनिया के इस अजीम और कामयाब हीरो से। तुम्हें मुझसे अपने बारे में पूछना चाहिए, सब मेरे छोटे भाई के लिए तालियां बजाओ गैरी सुपरनोवा। हे, इससे बड़ा हूँ मैं। तो गैरी, हम अभी भी टीम है। किसी को तो तुम्हारी निगरानी करनी है छोटे भाई। ये है मेरा भाई स्कॉच और ये मुसीबत में है फिर से। 72 घंटों के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर पर गया। स्कॉच, क्या तुम सुन रहे हो? ए गैरी, मुझे डर लग रहा है बहुत। अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा गैरी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तुम साथ आओगे? तुम्हारा बेस्ट मैन बन गए। और क्या तुम स्क्वाड सुपरनोवा गैरी बबल ब्रॉक का पूरे दिल से बीवी तस्लीम करते हो? ओ, आयो, क्यों रो रही हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। दोस्ती कभी मत तोड़ना गाइस। और क्या तुम गैबी बबल ब्रॉक स्कॉट सुपरनोवा का पूरे दिल से हस्बैंड तस्लीम करती हो और इनकी हर बात मानोगी? मैं मानूंगी। तो वो पावर्स जो मुझे दी गई हैं और अपनी अथॉरिटी से जो मुझे इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन ऑफ रेडियो टॉक शो थेरेपिस्ट ने दी है, मैं तुम दोनों को हस्बैंड और वाइफ करार देता हूँ। और अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो।
चलो पार्टी करें। मुबारक हो। ए आने का शुक्रिया। ओए, तुम ठीक हो? यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गए।